जैन दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वेरियस पोस्ट पे रेगुलर बेसिस जॉब निकल के आया दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिलती रहे। फॉर्म भरने का लिंक और नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे अप्रेंटिसशिप और भी कई सारी अप्रेंटिसशिप चैनल पर मौजूद है, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। कई सारी वैकेंसी भी आई हुई है, नई नई वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद फॉर अप्लाई कर दीजिएगा। तब तो हम बात कर लेते हैं सीपीसीबी की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीपीसीबी यहाँ पे दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना 6 मार्च से शुरू हो चुका है, 31 मार्च तक भरा जाएगा। इसमें वेरियस पोस्ट है, साइंटिस्ट बी का 62 पोस्ट है, इसी तरह से असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर है, टेक्निकल सुपरवाइजर है, और यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट है, जूनियर टेक्नीशियन है, 3 पोस्ट है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, 15 पोस्ट है, यूडीसी का है अपर डिवीजन क्लर्क में 16 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 में 3 पोस्ट है। इसी तरह से आप देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में 7 पोस्ट है, फील्ड अटेंडेंट में 8 पोस्ट है, एलडीसी में देखिए तो 5 पोस्ट है। इस तरह से काफी 15 तरह के अलग अलग पोस्ट है, जिसमें से टोटल 160 से 163 पोस्ट है टोटल, इससे सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी है, जो कि लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर के 56,900 तक की सैलरी होगी। 18 से 27 साल आपका उम्र होना चाहिए। इस समय और भी एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, एज यहाँ पे क्वालिफिकेशन में, और यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन एज लिमिट आपको बढ़ जाएगा, और जो इसके लिए एलिजिबल हो गया रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। नीचे की तरफ जाए तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी के पोस्ट का अलग अलग है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी से स्टार्ट है, साइंटिस्ट बी का देखिए तो बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और वही मास्टर डिग्री भी है इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में। या असिस्टेंट लॉ में बैचलर डिग्री चाहिए लॉ से, या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में कॉमर्स से बैचलर डिग्री चाहिए, जूनियर टेक्नीशियन में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में डिग्री की आवश्यकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 12th की आवश्यकता है, एलडीसी में 12th पास आउट चाहिए, फील्ड अटेंडेंट में 10th पास आउट वाले हैं, एमटीएस में आपको आईटीआई चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन में 3 पोस्ट, प्लम्बर में 2 पोस्ट, फायर सेफ्टी में 1 पोस्ट, पंप ऑपरेटर में 1 पोस्ट। यही वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए एमटीएस में। और आगे बात करें, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फीस पहले बता दें, एप्लीकेशन फीस पे देखिए तो आपको जो 2 आवर एग्जाम का है 1,000 रुपया, जिससे 750 एग्जाम फीस और 250 रुपया टेस्ट सेशन का, तो 1,000 आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा। 1 घंटा एग्जाम का आपको 350 प्लस 150, आपको 500 एग्जाम फीस पड़ेगा दोस्तों। मतलब एग्जाम फॉर्म का 1,000, और ये कैसे न जाने किस बेसिस पे दिए हुए हैं एप्लीकेशन फीस, पहले कैटेगरी के बेसिस पे आता है, तो इधर इसमें जो है आवर के बेसिस पे दिया गया कि इतने आवर का 1,000 और 500 लगेगा। आगे बात करते हैं, इसमें और भी इंफॉर्मेशन, रिटर्न एग्जाम होगा, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इसमें दी गई पूरी जानकारी भी। कट ऑफ देखिए तो यूआर के लिए 35 है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30, एससीएसटी के लिए 25 तक जाएगा, इससे कम जाने पे आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब ये आपका ऐसे क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है, इसके ऊपर ही सबका होना चाहिए, वही क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और ये वैकेंसी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फीस ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस सब में अपडेट करते रहते हैं जो वैकेंसी, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं उसका फॉर्म अप्लाई करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, किसी ना किसी रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 23 आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस तैयारी करते रहिए। इस तरह की काफ़ी वैकेंसी आती है, लेकिन काफ़ी सारी वैकेंसी में 2-4 सीटें होती है, आप भी सोचते हो 2-4 सीट है, लेकिन अगर आप एलिजिबल होते हैं और आप इच्छुक होते हैं तो फॉर्म अप्लाई करिए और एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए, जिससे क्या पता है आप भी कोई नहीं फॉर्म भरा आप भी नहीं भरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, है कि नहीं। तो मिलता है वीडियो अगली जगह के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आकर के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।